हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जाहिर है ठीक तो होंगे ही आप लोग। आज 19 तारीख और दिसंबर का महीना 2021, हम लोग गांधीनगर से कुनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर जा रहे हैं। हालांकि हमें 25 तारीख को वहां पहुंचना है, लेकिन हम लोग निकल पड़े हैं 19 तारीख को। आज रात हम लोग दाहोद में जैन देरासर है, वहां पर ठहरने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि जो ओवरलैंडर्स आने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने तरीके से अपनी गाड़ी बनाई है, अपनी रिग बनाई है। तो उन लोगों से बातचीत करके हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी रिग देखेंगे, उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये क्यों ऐसे बनाया है। क्योंकि हमारी भी कैरेवान अभी बन रही है अहमदाबाद में, तो कुछ अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना हो तो वो जानकारी लेके हम अपने जो बना रहे हैं उनको बता सकते हैं। ये हमारी मध्य प्रदेश के लिए पहली यात्रा है, और हम दोनों यानी मैं और तो दोस्तों, चलो मिलते हैं दाहोद में। सी यू। हम दाहोद पहुंच गए हैं। वो पीछे जो आप देख रहे हैं वो जैन देरासर है दाहोद में, बहुत ही खूबसूरत है। हमने अंदर जाके दर्शन किया और आज रात को हम लोग यहीं ठहरने वाले हैं। दोस्तों, कभी भी दाहोद आने का प्रोग्राम बने तो ये जैन देरासर में ज़रूर आना। बहुत ही बढ़िया कलाकृति है, अंदर देखकर खुश हो जाएंगे। कल सुबह का प्रोग्राम ये है कि हम लोग करीबन 6 बजे निकलने वाले हैं और यहाँ से यानी दाहोद से सीधा मंडू जाएंगे। लिट्टी और चाय के साथ रास्ते में बहुत मजा आ रहा है। अरे सी, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है। ये हमारी पावरी हो रही है रास्ते में चाय के साथ। मांडू में एंटर करते ही आपको पता चल जाएगा कि मांडू भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा गढ़ वाले नगरों में से एक रहा है। मांडू शहर में 45 किलोमीटर की सीमा में कुल 12 प्रवेश द्वार है। यहाँ के प्रवेश द्वार यहाँ के शासकों की ताकत और प्रभुत्व की घोषणा करते हैं और यहाँ के वास्तुकला की स्पष्ट झलक दिखाते हैं। ये है मांडू, पुराने जमाने का मांडवगढ़ या सादियाबाद, लेकिन आज के जमाने का तो ये सिटी ऑफ जॉय है। क्यों न हो, मांडू मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 30 रुपए है? 30 रुपए किसके लिए? गाड़ी का।
अंदर जाने का? हाँ। इसमें लिखा है वाहन पार्किंग शुल्क, मतलब कहीं भी पार्क कर सकते हैं पूरे मांडो में? क्या बात, पूरे मांडो का कहीं भी? हाँ। अच्छा, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, वो पीछे वाली गाड़ी हमारी है, उसका साथ में ले लें? हाँ, दे दो आप। अच्छा, और कागज उनको दे देना। तो दोस्तों, ये प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था है कि मांडू में प्रवेश करते समय आप 30 रुपये एंट्री फी देते हैं और आपको फिर पूरे मांडो में कहीं भी पार्किंग फी नहीं देनी। Yeah, I've taken, I've paid for your parking shulk. He's bringing the receipt. उधर दे दो। आगे जाते हैं। पहाड़ी पर स्थित मांडू इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए तो स्वर्ग समान है। रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर की तरह इतिहास की कई कहानियां यहाँ की इमारतों में गूंजती है। यह मूल रूप से शाही परिवार के एक व्यापारी गदाशाह का घर या दुकान थी। आजकल ये प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है। मांडू में एंटर करते ही सबसे पहले आप गदाशाह की दुकान पहुँचते हो। अभी तो यहाँ खंडहर जैसा है, लेकिन एक जमाने में ये बड़े ऑडियंस हॉल जैसा था, जिसे दुकान कहा जाता था, जो शायद आम जनता के लिए ही था। आम जनता के लिए होने के बावजूद भी इसका निर्माण बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। सर की ग्यासुद्दीन खिलजी मांडू का सुल्तान बनता, उसने एक महाभारत से प्रेरणा मिली थी कि भगवान श्री कृष्ण जिनके यहाँ 16,108 गोपियाँ रही, तो मैं भी इस मालवा का सुल्तान हूँ, मेरे हरम में करीब 16,000 रानियाँ रह सकती है। जामी मस्जिद मांडू के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ये विशाल लाल पर्वत से निर्मित है और दूर से ही दिखाई देती है। जामी मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है महान मस्जिद। ये मस्जिद सीरिया की महान मस्जिद उमायद मस्जिद से प्रेरित होके बनवाई गई थी। इतनी भव्य और विशाल आकार की होने के बावजूद ये सादगी से बरकरार है और जीवन के व्यस्त समय के बीच आपको शांति का एहसास कराती है। इस मस्जिद में बड़ा सा आंगन, कई खंभे और विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो पुराने समय से ही अभी तक दृढ़ता से मजबूत खड़े हैं। इस मस्जिद का निर्माण होशंग शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था और 1454 में खिलजी के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। की गई है, मगर इसी बिल्डिंग को मस्जिद का पैटर्न पे नहीं है सर। जहाँ मस्जिद होती है वहाँ मीनारे होती है, यहाँ मीनारे नहीं है। जब मस्जिद होती है वहाँ एक हौज होता है, नमाज वजू की जाए, वजू के लिए भी नहीं है। वैसे कुछ यहाँ पर हिंदू आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा सर। तो ये जो हम देख रहे हैं सर, ये मालवा का हाई कोर्ट भी रहा। तो इस बीच के दोनों तरफ बालकनियाँ बनी हुई हैं सर, जहाँ रॉयल फैमिली बैठती थी। बीच में सिंहासन बना, जहाँ किंग बैठते थे, अष्ट प्रधान बैठते थे, नवरत्न बैठते थे। तो ये कुछ आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसमें कुछ हिंदू आर्किटेक्चर भी देखेंगे। हिंदू आर्किटेक्चर का इसकी शिल्प कला खिलजी, तुगलक और लोदी शैलियों का मिश्रण है। तो ये मंदिरों के शिखर है जो जंगलों में पाए जाते हैं। हाँ, ये आज भी किले के अंदर बहुत से ऐसे पड़े हुए हैं जो कुछ अवशेष हुआ है। ये पिरामिड वाला है। होशंग शाह का मकबरा भारत में सबसे पुरानी संगमरमर की इमारत के रूप में माना जाता है। इस मकबरे का गुम्बद और झाड़ीदार खिड़कियां बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे को देखकर ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था और अपने काम करने वाले शिल्पकार और उस्ताद हामिद को इसका निरीक्षण करने के लिए भेजा था। होशंग शाह का मकबरा और जामी मस्जिद दोनों एक ही स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं। यहां जूता उतारना पड़ता है? नहीं, चलो। ये डमी है, इनका ओरिजिनल टॉप होशंगाबाद। होशंगाबाद
अशरफी महल ऊंचाई पर बना हुआ है, जामी मस्जिद के ठीक सामने बना है। मांडू के राजा ग्यासुद्दीन खिलजी की 16,000 रानियां थी, उसमें से कुछ बेगमों का वजन इतना बढ़ने लगा तो उन्हें दुबला करने के लिए एक सीढ़ियोंदार महल बनवाया गया। क्या है? मांडू की इमली है। यहाँ पब्लिक से अच्छा है ये कांगाल भाई। हाँ, अच्छा लगता है क्या? कलर करा क्या? बालों में? बालों में। अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? ठीक है, थैंक यू। द शिप पैलेस से जानी जाती ये इमारत मांडू की सबसे नायाब इमारतों में से एक है। कपूर और मुंज सागर तालाब के बीच में बनी ये इमारत गहरे समुद्र में लंगर डाली हुई कोई विशाल जहाज से दिखती है। हरी घास और रंगीन फूलों के पौधे इसकी सुंदरता और कलात्मकता में चार चांद लगा देते हैं। यह माना जाता है कि 15वीं सदी के सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने अपने हरम की 15,000 बेगमों के लिए इसका निर्माण करवाया था। इस महल के स्थापत्य में हिंदू शिल्प शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। इस महल की संपूर्ण व्यवस्था महिलाओं के हाथों में थी और ग्यासुद्दीन की 15,000 बेगमों ने इसमें यह पूरा शहर बसा रखा था, जिसमें गायन, वादन, नृत्य, तैराकी और कुश्ती की भी तालीम दी जाती थी। जहाज महल के पश्चिम में मुंज ताल स्थिर है और यह तालाब जहाज महल की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। सर्प आकार में बनी ये नलियों के जरिए पानी को छत से कमल कुंड में पहुंचाया जाता था। जहाज महल के परिसर में स्थित इस बावड़ी के पानी में चंपक पुष्प की तरह सुगंध आती थी, इसलिए इसका नाम चंपा बावड़ी हुआ। यह बावड़ी सिर्फ जल प्रबंधन के लिए ही नहीं बनी थी, बल्कि दुश्मनों के आक्रमणों से बचने के लिए भी बनाई गई थी। बोलते बोलते रुक गई। इनका नाम संजय है। लेकिन स्मिता वर्ड आना चाहिए इसलिए। तो संजय स्मिता। सुबह लिट्टी लिट्टी खाई थी ना स्मिता जी के हाथ की बनी हुई। तो आज का दिन स्मिता के नाम। जय हो। विदा पछी। संगीत की अनन्य साधक रानी रूपमती और बाज बहादुर की गाथा के बिना मांडू का इतिहास अधूरा है। 365 मीटर ऊंची चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए करवाया था। दोस्तों, आपसे एक विनती है कि जब भी आप ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाए तो लोकल गाइड जरूर रखे, क्योंकि उनके लिए यही कमाने का जरिया है और उन जगहों की ऐतिहासिक जानकारी उनके पास ज्यादा होती है। तो चलिए सुनते हैं रानी रूपमती की कहानी गाइड की जुबानी। सो नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीवान। दीवान जी, आज हम यहाँ के गाइड हैं और ये हमें रानी रूपमती के महल की थोड़ी जानकारी देंगे, स्टोरी के बारे में बताएंगे। ठीक है जी, चलो जल्दी इस बताइए। ये बड़े मैंने जो पता था, ये उनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था कि जितना भी रेनी सिंह का बारिश के पानी को फिल्टर करके यहाँ पर रखा जाएगा सेनाओं के लिए पीने के लिए, क्योंकि मैडम उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इतनी हाइट पे गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा। अच्छा। तो जितना भी रेनी सिंह का बारिश के पानी को
फिल्टर करके उसको यहाँ पे रखा जाएगा सेनाओं के लिए पीने के लिए। तो अभी अपन इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, लेकिन ये 11 साल पुराना मैडम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, लेकिन इसका पानी का जो फिल्टर करने के लिए था उसके यहाँ पे एक चैनल है, तो पानी देख सकते हैं यहाँ पे पानी के लिए फिल्टर करने के लिए। सर ये सर पानी को फिल्टर करने के लिए इस प्रकार से जितना भी रेंजिंग का बारिश के पानी को यहाँ पे लाया जाता था, ये देख रहे हैं सर ये प्रकार से बना रहे अस्तबल घोड़े बांधने की जगह है। अच्छा। ये पहले कच्चा था, सर गवर्नमेंट ने भी 2004 में इसका रिपेयरिंग बाद में किया गया। अच्छा। तो यहाँ पे इनकी खाली देने का रखा जाता था और यहाँ पे घोड़े बांधने की जगह थी, तो इसे गवर्नमेंट ने इसके हिसाब से बैठने के साथ चेंज कर दिया है। तो जिस बिल्डिंग को मैडम आप देखने आए हैं, इस बिल्डिंग का जो नाम है रूपमति पवेलियन कहा जाता है, इसे रूपमति मंडप। लेकिन मैडम यहाँ पे रूपमति का उसको कोई रहने वाली जगह रूपमति का नहीं। अच्छा, इसलिए इसको मंडप नहीं बोला। यहाँ पर रूपमति को रहती नहीं थी, और रूपमति का जो रहने वाली जगह थी वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक साई महल है जो जहाज महल के अंदर जो बना रखा है। अच्छा, ये मैडम अपन खड़ी की मालवा की लाठी गाँव की मालवा है और काफी निमाड़ है। तो मैम इस निमाड़ से कोई भी व्यक्ति जब बाहर वाला व्यक्ति आएगा वो इधर से दिखाई देगा, काफी निगरानी करने के साथ वॉच करने के लिए बनाया गया है। इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था 10वीं शताब्दी में, किसे बनाया गया था, परमार राजा भोज ने। तो मैडम राजा भोज ने बिल्डिंग को बनाया गया था अपनी सेनाओं के लिए। यहाँ से क्या होता है मैडम कि एमपी को दो भागों में बांटा गया, मालवा और दूसरा प्रांत होता है निमाड़ कहा जाता है। जी मैडम, तो निमाड़ तरह से 1200 फीट की हाइट पे खड़े हैं। अच्छा। तो यहाँ से कोई भी व्यक्ति जब बाहर वाला व्यक्ति आएगा मैडम वो यहाँ से दिखाई देगा। तो मैडम बिल्डिंग को राजा भोज ने स्पेशली बनाया कि यहाँ से मालवा खत्म होता है और यहाँ से निमाड़ चालू हो जाता है। अच्छा। तो मैडम निमाड़ तरफ से अभी अपन 1200 फीट की हाइट पे खड़े हैं, उसी लेवल से 2300 फीट। मैडम कोई भी व्यक्ति जब बाहर वाला व्यक्ति आएगा वो यहाँ से दिखाई देगा। तो राजा भोज के समय में जो बिल्डिंग का बनाया गया था ये वनली सोल्जर वॉच टावर था। ये बिल्डिंग आर्मी लोगों के लिए बनाया गया था, इसके अंदर कोई रूम कोई कमरा यहाँ पे मैडम को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मांडू जब राजा भोज ने बनाया था, मैडम राजा भोज ने मांडू पूरा 72 किलोमीटर के रेम बनाया गया था। जहाँ से आपने कभी मांडू स्टार्ट किया होगा, आने से पहले मैडम आपको 3-4 गेट मिले होंगे, वहीं से मांडू स्टार्ट होता है और राउंड में घूम के वापस वहीं एंड होता है। अच्छा। लेकिन बताया जाता है कि उस टाइम के अंदर मांडू के अंदर यहाँ पे 9 लाख की आबादी थी और दिल्ली के अंदर उस टाइम के अंदर 3 लाख की आबादी रहा करती थी। लेकिन मांडू के अंदर कोई भी व्यक्ति जब रहने के लिए आता था उसे हर घर से एक पत्थर दिया जाता था और एक सोने का सिक्का। ये सिर्फ एक राजा की स्कीम थी पब्लिक को इस प्रकार से बढ़ाने के लिए। अच्छा। लेकिन मैडम रूपमती जो रहने वाली थी वो इसी डायरेक्शन पे 27 किलोमीटर दूर एक धर्मपुरी जो गांव है और जहाँ की एक जमींदार थान सिंह रहा करता था, उसकी बेटी रानी रूपमती रही थी। लेकिन मैडम रूपमती बहुत अच्छी एक संगीत कलाकार थी और बहुत अच्छी एक गाने वाली थी, लेकिन सबसे सुंदर जो रानी थी वो पद्मावती थी जो चित्तौड़गढ़ की पाई गई थी। हाँ। दूसरी रूपमती थी और तीसरी आती है बाजीराव मस्तानी पूना। ये तीन रानी सबसे सुंदर रानी रही थी। लेकिन मैडम जब 1556 में पूरा हिंदुस्तान के अंदर जब अकबर की जब राजधानी होती है तो बाजबहादुर को यहाँ का मालवे का सेनापति बना के भेजते हैं जो मांडू की रक्षा के लिए। तो बाजबहादुर कोई राजा नहीं था, वो अकबर का सेनापति था और बाजबहादुर का नाम रहा था बाजीत अली खान। और बाजबहादुर उसका एक टाइटल था, कोई भी शिकार करने जब जाता था वो ईगल की तरह फाइट करना, बाज की तरह अटैक करना, उसको टाइटल नेम दिया गया था मैडम बाजबहादुर। जी मैडम, लेकिन बाजबहादुर को जब मांडू आने के बाद में वो दो चीज़ों का शौकीन रहा था, एक संगीत और दूसरा शिकार। तो बाजबहादुर शिकार करने जब निकलता इस प्रकार से वो धर्मपुरी गांव के अंदर पहुंच जाता है। उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक रूपमती नाम से कन्या है, बहुत अच्छे संगीत कलाकार वो जानती है। बाजबहादुर उसकी पार्टी में आके शामिल हो जाता है। लेकिन मैडम जब रूपमती एक राग ऐसा जानती थी उसे कहा जाता मेघमला राग। मेघमला का मतलब होता है कि गर्मों पर गाओ तो ऊपर से बारिश चालू हो जाती थी। तो रूपमती से बाजबहादुर कहने लगता है कि आपको संगीत के लिए हम आपको सादियाबाद जो ले जाना चाहते हैं। पहले जो मुगल पेट के अंदर जब मांडू का जो नाम रहा था पहले सादियाबाद रहा था। लेकिन मैडम रूपमती जब यहाँ पे आने से पहले कुछ शर्त रखती है, मैं संगीत के लिए चलने के तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं रुजीना मैं सिर्फ एक नर्मदा नदी का दर्शन करना चाहती हूँ। अच्छा। और जब तक मैं नर्मदा दर्शन नहीं करती हूँ तो मैं कुछ भी खाए पिया मैं नहीं करती हूँ। तो मैडम रूपमती को जब लाने के बाद में रूपमती को शाही महल के अंदर रूपमती को रखा गया। सिर्फ रूपमती के लिए बाजबहादुर ने इसके ऊपर 2 टावर रूपमती के लिए बनाए जाते हैं। तो बाद में मैडम इसका नाम दिया रूपमती पवेलियन और रूपमती मंडप। यहाँ पे कोई रूपमती का
कोई रहने की जगह नहीं था, रूपमती सिर्फ यहाँ से वो नदी का सिर्फ दर्शन करती थी। लेकिन मैडम रूपमती को नर्मदा दिखाई देती थी सुबह 6-7 के बीच में। सुबह क्या होता है, जब सूर्य निकलता है, सूर्य की पहली किरण से पानी को उसका लाइट गिरेगा तो उसका रिफ्लेक्शन के कारण नर्मदा एक पत्ती से लाइन यहाँ से दिखाई देती है। जी मैडम, ये महसूस लगा कि धर्मपुर वाली नर्मदा यहाँ से दिखाई देती है। और कभी मौसम कभी खराब होता है, ऐसा ठंड की वजह से कोई भी कोहरा टाइप का होगा तो कभी सभी रूपमती को नर्मदा नहीं दिखाई देगा। उस टाइम के अंदर रूपमती को भूखी प्यासे रहना पड़ता था, तो नर्मदा माता उसको सपने के अंदर बताई गई कि बेटा तेरी यहाँ पर रहने की इच्छा है तो नीचे जाकर गड्ढा खोद और जहाँ पे मेरा पानी तेरे गुस्से पानी यहाँ पे प्रकट होगा। लेकिन माता सर, मैं कहीं भी जाकर गड्ढा खोदूंगी तो पानी निकलेगा, लेकिन मैं आपका जल के समान हूँ, हो सकता है मैं तपस्या भंग हो जाए। तो नर्मदा माता उसको बताती कि जहाँ पे आप गड्ढा खोदेंगे उसी के अंदर आपको झींगा मछली और शंख सब प्राप्त होंगे। शंख का मतलब होता है साधु शंख जो बजाते हैं, तो मैडम खुद ही करवाते हैं और खुद के दौरान वहाँ पे वो चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो बाद में से लेक का नाम रखा जाता है एक रेवा कुंड। नर्मदा का दूसरा नाम रेवा है। नर्मदा होता है स्टार्ट अमरकंटक से और खत्म होता है गुजरात के अंदर भरूच के अंदर। इसकी जो भी साधु संघ जो आज नर्मदा की जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको आज भी यहाँ पे आना पड़ता है, नहीं तो उसकी परिक्रमा को अधूरी और खंडित मानी जाती। इसी प्रकार से रूपमती को यहाँ से नर्मदा नहीं दिखाई देगा तो रूपमती सिर्फ रेवा कुंड का पूजा पाठ करना, बाज बहादुर के महल के अंदर को संगीत गाना, इसके बाद में रूपमती घोड़ा पार्क से रिटर्न वो जहाज महल के अंदर रूपमती मैडम चली जाती थी। रेवा कुंड जहाँ पे मैडम आपने टिकट लिया होगा उसी के सामने रेवा कुंड बनाया गया। अच्छा। लेकिन मैडम फिर कुछ समय बाद फिर बाज बहादुर यहाँ का राजा बन जाता है और अकबर से बगावत कर लेता है। कभी अकबर के पास मैडम आपने सुना होगा एक आदम खां कोका था जो महामंगा का लड़का था। फिर बाज बहादुर और आदम खां की दोनों की फाइट होती है और फाइट के अंदर बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाता है और आदम खां मांडू को जीत लेता है। लेकिन जीतने के बाद में रूपमती को परेशान करने लगता, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इस वजह से रूपमती आखिर में वो जहर खा के रूपमती मर जाती है। तो रूपमती और बाज बहादुर का दोनों का लव स्टोरी एक संगीत से रहा था, कोई रूपमती कोई बाज बहादुर की कोई पत्नी नहीं थी मैडम। रूपमती बहुत अच्छी एक सिंगर थी, इस प्रकार से रूपमती को यहाँ पे लाया गया था। तो ये मैडम कोई महल नहीं है, ये सिर्फ एक पवेलियन है। पवेलियन का मतलब होता है कोई चीजों को देखने के लिए बनाया जाता है। और फिर वो बाज बहादुर फिर भाग के कहां गए और फिर रूपमती से उसका सामना नहीं, नहीं रूपमती से भागने के बाद वापस उसको दरबार में चला जाता अकबर के पास में, तो अकबर तो अकबर उसको माफ कर देता है। अच्छा। तो बाद में फिर मैडम से बताया कि बाज बहादुर से रूपमती से बहुत अच्छे संगीत होने के कारण तो बाज बहादुर से अपने आप खुद गला काट के मर जाता है। जहाँ पे साजापुर शामपुर के अंदर काली से नदी है वहाँ पे एक समाधि है और एक कब्र बनी मैडम। कहाँ पे वो? काली से नदी के पास में या साजापुर के पास में है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। जी मैडम, तो एक का समाधि है की कबर है क्योंकि बाज बहादुर वहीं का रहने वाला था। अच्छा। साजापुर शामपुर का रहने वाला था। अच्छा। बाज बहादुर का नाम, बाज बहादुर का पिताजी जो रहा था सुजावत खान था। अच्छा। सुजावत खान का बेटा था मैडम। तो इस प्रकार से बाज बहादुर को वहीं पे एक ही कबर एक ही समाधि बनी मैम। आज भी एक लाल पत्थर की और काले पत्थर की बनाई गई वहाँ पे। अच्छा। ऐसा मैं इसके बारे में बताऊँ, ये मैडम बना के सारी लाइट के लिए। अच्छा। ये सब सारे देख रहे लाइट के लिए, ये रास्ता उनका आने जाने के लिए था। मैंने बताया कि मैडम राजीराव पेशवे ने बंटवारे के ऐसे धार दिया था पवार को, इंदौर दिया था होलकर को, नागपुर भोसले, पूनम पेशवा, ग्वालियर सिंधिया, गुजरात दिया था गायकवाड़ को। इस प्रकार जितने भी रूलर आए इस बिल्डिंग को सिर्फ आर्मी के हिसाब से इस्तेमाल किया उन लोगों ने। और ये मैडम बनाने का पानी का टैंक तो मैंने बताया था, रेन वाटर हाउस। हाँ जी, ये अपन इधर से देखे था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मांडू का सफर। मांडू में जरूर आइए, लोकल एम्प्लॉयमेंट को साथ दीजिए और भारत के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों रात का सफ़र काट के करीबन हम 9 बजे हमारे एक बहुत सारे पुराने मित्र विनय जी के फार्म हाउस में हम लोग आए हैं। बागली, जगह का नाम है बागली और ये मध्य प्रदेश में है, देवास के बाजू में, देवास के बगल में। हाँ, ये विनय जी और उनकी धर्मपत्नी है। पहले हमको घर पे लेके गए, बहुत बढ़िया सी आदू वाली चाय पिलाई यानी अदरक वाली, और अभी हम उनके फार्म पे आए हैं और आज रात यहीं रुकने वाले हैं। तो सब मिलके थोड़ा
जलसा करेंगे। आप अभी मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली में बरजाई फार्म पर हैं, मौड़ी के झाड़ के नीचे कैंप फायर, कड़कड़ाती ठंड के बीच आज मित्र मंडली जमा हुई है। बहुत ही अच्छा मस्त मौसम, गाने के साथ अलाव के साथ एंजॉय कर रहे हैं।